हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच के बारे में और ये मैच खेला जाएगा मोरक्को और स्पेन के बीच में। तो दोनों टीम में से आज के मैच में कौन सी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है, इस टॉपिक पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी और कितना गोल स्कोर करेगी और किन 11 प्लेयर्स को टीम में लेकर चलना है और किस प्लेयर को कैप्टन और किस प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाना, ये सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में कंप्लीट दी जाएंगी। बस आप वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए अब हम सबसे पहले इन दोनों टीम की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग पर नज़र डालते हैं। तो गाइस, मोरक्को फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में फिलहाल के टाइम पर 22 पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें स्पेन फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में फिलहाल टाइम पर 7th पोजीशन पर है। तो गाइस, इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइस, अब बात आती है कि इन दोनों टीम में से हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चले। तो गाइस, मैं फिलहाल के लिए स्पेन को ही एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी जो फीफा रैंक है वो काफ़ी सेफ है एज कम्पेयर टू मोरक्को, तो इसीलिए मैं स्पेन को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन हम बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस इन दोनों टीम की ओर से देखने को मिलता है। तो गाइस, इन दोनों टीम के बीच में सिर्फ एक ही हेड टू हेड मैच हुआ है और उस मैच को इन दोनों टीम ने अटैकिंग ड्रॉ खेला। दोनों टीम ने बराबर के गोल स्कोर भी किए और डिफेंस से भी बराबर के गोल कंसीड किए और वो मैच 2018 में हुआ था, मतलब आज से 4 साल पहले। और इन 4 साल में इन दोनों टीमों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। लेकिन हम बात करेंगे इन दोनों टीम का जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, मोरक्को करंटली 6 मैच खेल चुकी है जिनमें से इस टीम ने सिर्फ 4 मैच विन करे हैं, 2 मैच ड्रॉ खेले, अभी तक एक भी मैच लॉस नहीं किया। अटैक से 1.5 गोल पर मैच स्कोर किया, डिफेंस से 0.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो फिलहाल टाइम पर अगर मोरक्को करंट फॉर्म देखा जाए तो वो काफ़ी मजबूत है अटैक से भी और डिफेंस से भी, और अधिकतर मैचेस विन कर लेते या ड्रॉ खेलते लेकिन मैच को जल्दी से लॉस नहीं करती और डिफेंस से तो गोल कंसीड करती ही नहीं है। अब हम बात करें जो पिछला मैच मोरक्को कनाडा के सामने 2-1 से मैच को विन कर गई, इस टीम ने 2 गोल स्कोर किए लेकिन डिफेंस से सिर्फ 1 ही गोल कंसीड किया और उसे मुकाबला बेल्जियम के सामने टीम 2-0 से विन किया। और बेल्जियम भी काफी बेहतरीन टीम है और उस टीम के सामने जब यह टीम 2-0 से मैच को विन कर सकती है, क्या आज स्पेन के सामने विन नहीं कर सकती? कर सकती है। उससे भी मुकाबला क्रोएशिया के सामने डिफेंसिव ड्रॉ खेली, ना ही गोल स्कोर किया ना ही गोल कंसीड करने दिया। और उससे भी मुकाबला जॉर्जिया के सामने टीम 3-0 से विन की है और पराग्वे के सामने टीम डिफेंसिव ड्रॉ के लिए और उससे मुकाबले चिली के सामने 2-0 से विन की है। तो आप देख सकते हो इस टीम ने पिछले 6 मैच में सिर्फ 1 ही गोल कंसीड किया, वरना सभी मैच में इस टीम ने क्लीन शीट भी रखी है और अटैकिंग वाइज भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा किया है। तो मोरक्को का करंट फॉर्म काफ़ी मजबूत है फिलहाल के टाइम पर। अब हम बात करते हैं स्पेन का जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, स्पेन करंटली 6 मैच खेल चुके हैं जिनमें से टीम ने 3 मैच विन करे हैं, 1 मैच ड्रॉ खेला, 2 मैच लॉस किए हैं। अटैक से 2.3 गोल पर मैच स्कोर किया, डिफेंस से 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो फिलहाल टाइम पर इस टीम का करंट फॉर्म देखा जाए अटैकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत है, डिफेंस कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर देता है और मैच को विन भी करती है, ड्रॉ भी खेल लेती है, कभी कभी तो लॉस भी कर जाती है। अब हम बात करें जो पिछला मैच स्पेन जापान के सामने 2-1 से मैच को लॉस कर गई, 1 गोल इस टीम ने स्कोर किया लेकिन डिफेंस से 2 गोल कंसीड किया और इस टीम का डिफेंसिव परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन है। उससे मुकाबले जर्मनी के सामने अटैकिंग मैच को ड्रॉ के लिए 1 गोल स्कोर किया और 1 ही गोल कंसीड किया। कोस्टा रिका के सामने टीम 6-7-0 से विन की है और 1 मैच जॉर्डन के सामने 3-1 से विन की है। पोर्टुगल के सामने 1-0 से विन किया। अब पोर्टुगल जैसी टीम के सामने अगर ये 1-0 से मैच को विन करती है तभी तो ये लगता है कि आज मोरक्को के सामने भी विन कर जाएगी। स्विट्जरलैंड के सामने टीम 2-1 से मैच को लॉस की है। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का देखा जाए तो अटैकिंग वाइज काफ़ी अच्छा है, प्रत्येक मैच में गोल स्कोर भी कर देता है लेकिन डिफेंसिव कहीं ना कहीं हल्का सा कमजोर देखने को मिलता है, ये गोल कंसीड कर देती है। तो फाइनल गाइज, अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज, सबसे पहले हमने इन दोनों टीम की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीम का हेड टू हेड मैच पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीम का करंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर लें कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइज फीफा वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार मोरक्को की पोजीशन थोड़ी सी डाउन है एज कंपेयर टू स्पेन। स्पेन की बेहतर पोजीशन है। हेड टू हेड में देखा जाए दोनों टीमों का परफॉर्मेंस बराबर का देखने को मिलता है। करंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मोरक्को का जो परफॉर्मेंस है अटैक और डिफेंस काफी मजबूत देखने को मिलता है और अधिकतर मैचेस विन करते ही या ड्रॉ खेलते लेकिन लॉस नहीं करती। और स्पेन का जो परफॉर्मेंस है अटैकिंग परफॉर्मेंस तो है मजबूत लेकिन डिफेंस कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर देता है। लेकिन आज मोरक्को के सामने मैच है, इसका क्या पता गोल कंसीड ना करें, तो स्पेन अपने से हल्की टीम के सामने अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो इसीलिए मैं आपको भी बता दूं इस मैच में स्पेन ही एक फेवरेट टीम है इस मैच को विन करने के लिए। लेकिन मोरक्को को भी आप हल्के मत लेना, ग्रैंड लीग में 5-6 टीम इसके फेवर में बना सकते हो। अगर आप 20 टीम बना रहे हो तो 5-4 टीम तो इसके फेवर में भी बना सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो तीनों फॉर्मेट में मुझे दोनों टीमें 50-50 नजर आती हैं फिलहाल के टाइम पर। तो फाइनली अब बात आती है अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए, मतलब इस मैच में कितने गोल होने चाहिए और कौन सी टीम इस मैच को विन करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मोरक्को आज इस मैच में 1 गोल कर सकती है। क्यों? क्योंकि इस टीम का
अटैक अच्छा है और स्पेन भी आपको कहीं ना कहीं इस मैच में एक गोल करती नजर आ सकती है। तो मेरा मानना यह है कि बोथ टीम टू स्कोर यह मैच जाएगा और दोनों टीमें इस मैच में गोल स्कोर करेंगे। तो 1-1 ड्रॉ इस मैच का प्रेडिक्शन रखा है, लेकिन रिजल्ट निकल कर आएगा इस मैच का, लेकिन आई थिंक पेनल्टी तक ये गेम जाएगा। तो 1-1 ड्रॉ का अकॉर्डिंग ही हम अपनी ड्रीम 11 टीम क्रिएट करेंगे ड्रीम 11 पर। उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीम के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए हैं, क्योंकि अभी तक हमने इस वीडियो में बात की कि इस मैच को कौन सी टीम विन करेगी या ड्रॉ खेलेगी, लेकिन इस मैच में कितना गोल स्कोर होंगे, लेकिन इन गोल को किन किन प्लेयर के द्वारा किया जाएंगे वो सारी जानकारी आपको मैं इसी वीडियो में कंप्लीट दूंगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखना। बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए हैं। तो हम सब उस पर नजर डालते हैं मोरक्को के प्लेयर्स पर, फिर हम नजर डालते हैं प्लेयर्स के बारे में कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए हैं। तो नजर डालते हैं मोरक्को के प्लेयर्स पर भी। तो गाइस मोरक्को की तरफ से इसी फीफा वर्ल्ड कप में हाईएस्ट गोल टेकर यूसुफ अन्नशरी जिसने एक गोल स्कोर किया, हाकिम जीएक जिसने एक गोल स्कोर किया, रोमन शेस एक गोल स्कोर किया और यहां से अब्दुल कमल जिसने एक गोल स्कोर किया। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर, देखो हाकिम जीएक आपकी टीम में होना चाहिए, यूसुफ नसरी भी आपकी टीम में होना चाहिए क्योंकि ये पोटेंशियल रखता है गोल करने के भी, और ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपकी टीम में होने चाहिए। रोमन शेस जो कि आपको डिफेंडर देखने मिलेगा, लेकिन डिफेंडर में आपको हाकिम जीएक देखने मिलेगा और उन्हीं प्लेयर्स को आप ट्राई करना, इनको ड्रॉप कर सकते हो। ओके, जकारिया को मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। अब हम बात करते हैं इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने इन प्लेयर्स के लिए असिस्ट प्रोवाइड किए हैं। तो नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर। तो गाइस असिस्ट में देखा जाए तो हाकिम जीएच जिसने एक असिस्ट निकाला और अशरफ हकीमी जिसने एक असिस्ट निकाला, और यहाँ शाबिरी अगर खेलेगा तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपकी टीम में। तो ये तीन प्लेयर्स आपकी टीम में होने ही चाहिए, कंडीशन चाहे कोई भी हो। ओके, तो अब बात आती है जो सेकंड टीम है उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नज़र डालते हैं स्पेन के प्लेयर्स पर भी। तो गाइस स्पेन की तरफ से इसी फीफा कप में हाईएस्ट गोल अलवारो मोराटा जिसने इस टीम के लिए तीन गोल स्कोर किए, फेरन टोरेस ने दो गोल किए, एक गोल पेनल्टी टीम किया, तो पेनल्टी टेकर है इसलिए पिक करना जरूरी है। मार्को असेंशियो अगर खेलेगा तो आपकी टीम में होना चाहिए क्योंकि डिफेंसिव पॉइंट दे जाता है। यहां से डानी ओल्मो है, ये भी अच्छा खासा प्लेयर है, और यहां से गाविरा को मैं ज़्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं, कार्लोस शोलर आपको एज ए सब्सिट्यूट देखने मिलेगा, और इन्हें ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना क्योंकि एज ए सब्सिट्यूट से ही इसने गोल स्कोर किया और पोटेंशियल रखता है गोल करने की। लेकिन आज के मैच में जो आपकी टीम में होने चाहिए, मोराटो आपकी टीम होना चाहिए, फेरन टोरेस होना चाहिए, मार्को असेंसियो होना चाहिए, डानी ओल्मो भी होना चाहिए। ओके, तो अब बात आती है जो सेकंड टीम है, मतलब सॉरी इस टीम के वो कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए। तो नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर। तो गाइस असिस्ट में देखा जाए जॉर्डी अल्बा है जिसने इस टीम के लिए दो गोल मतलब दो असिस्ट निकाले हैं। अगर आपको याद होगा जब हमने टीम का कैप्टन बनाया था उस टाइम पर इसने असिस्ट किया था और इसी वजह से हमने वन साइडेड विन किया था। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है अल्वारो मोराटो, इंपॉर्टेंट प्लेयर है डानी ओल्मो है, और यहाँ से कैशर एज़पिलिक्विटा ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है। ये चारों प्लेयर्स आपकी टीम में होने चाहिए। ओके, तो अब बात आती है इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन 1-1 ड्रॉ रखा है। बहुत सारे मेंबर तो यही सोच रहे होंगे यार ये बहुत बड़ा मैच है, आप इसे स्कोरिंग में ड्रॉ कर रहे हो, क्यों? क्योंकि गाइस मुझे लग रहा है कि दोनों टीम आज बराबर की हैं, कहने का मतलब क्योंकि मोरक्को का करंट फॉर्म काफ़ी मजबूत है, तो डिफेंस से शायद गोल कंसीड ना भी करें। अगर इस मैच में गोल कंसीड नहीं करें तो मुझे लगता है कि ये मैच ज़्यादा स्कोरिंग होगा नहीं, ये 0-1 भी जा सकता है स्पेन के फेवर में। तो इसलिए मैंने अपना स्कोरलाइन प्रेडिक्शन रखा है 1-1 ड्रॉ, और 1-1 ड्रॉ का अकॉर्डिंग क्या रहनी चाहिए इस मैच जो हमारी शमोली टीम है ड्रीम इलेवन पर। तो सीधे नजर डालते हैं इस मैच की ड्रीम इलेवन की टीम पर और इस वीडियो को सेकंड बेस्ट पार्ट पर जहां पर हर एक प्लेयर्स के बारे में आपको डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन दूंगा, किस प्लेयर को लेकर चलना है, किस प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, और किस प्लेयर को आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना। और हाँ दोस्त, हम 6 ग्रैंड लीग टीम तो आपको देते ही हैं, ये तो पूरा फीफा कप में पता कि हमने इस फीफा कप में 5 मरतबा ग्रैंड लीग विन कर चुके हैं ओपन चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में, और टॉप 10 रैंक में तो हम हर मैच में आते हैं। तो आज की भी आपको 6 ग्रैंड लीग इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे जहां पर मैंने मतलब टेलीग्राम का लिंक है ना इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हो। ओके, बात करते हैं सीधे मुद्दे की इस मैच की टीम पर। तो गाइस सबसे पहले हम बात करें गोल कीपिंग सेक्शन से, उससे पहले मैं आपके लिए बता दूं मैं इस मैच में एक स्ट्रॉन्ग टीम स्पेन को मान के चलाऊँ, और स्पेन के हम 7 प्लेयर लेकर चलेंगे अपनी टीम में और 4 प्लेयर मोरक्को की तरफ से लेकर चलेंगे, 4 और 7 का कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे और 11 प्लेयर्स को अपनी टीम में जगह देंगे विद कैप्टन और वाइस कैप्टन। कौन कौन से कैप्टन और कौन से प्लेयर वाइस कैप्टन होंगे वो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में कंप्लीट देंगे। गोलकीपर आपको 2 ऑप्शन रहेंगे, सिमोन रहेगा और यहां से बोनो रहेगा, तो दोनों में से जिसको चाहे आप पिक कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप मोरक्को के गोलकीपर को पिक करें क्योंकि स्पेन अच्छी टीम है और उसके पास काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो एक्सपीरियंस रखते हैं बड़ी बड़ी लीग में खेलने का। तो कहीं ना कहीं इस मैच में बोनो टेस्ट हो सकता है। अब हम बात करें डिफेंडर में, हकीमी आपकी और मेरी 100% वाली चॉइस होनी चाहिए, पिक करके जरूर चलना। जॉर्डी अल्बा भी 110% वाली चॉइस होनी चाहिए, इनको ड्रॉप मत कर देना, ये लॉक लगा लो इन पर, ये आपकी टीम में होने चाहिए। यहां से लापोर्ट है, ये भी आपकी टीम में होने चाहिए, अगर खेलेगा तो हमारी टीम में 110% रहेगा, तो इनको पिक करना है। अब यहां से रोड्रिगो हर्नांडीज जो कि आपको डिफेंडर में देखने को मिला, लेकिन ये मिडफील्डर है और इस टीम में इसको डिफेंडर का रोल दिया गया है, लेकिन अभी
अभी के लिए मैं इनको ट्राई नहीं कर रहा हूँ। रोमन सेस है जो कि एक असिस्ट एक गोल निकाल चुका, आप पिक कर सकते हो। एजप्ली कोटा चेल्सी के लिए खेलता है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, काफ़ी एक्सपीरियंस लगता है खेलने का और डिफेंसिव परफॉर्मेंस का काफ़ी मजबूत है, तो ट्राई कर सकते हो, असिस्ट करने का चांसेस रहते हैं इसके। डानी कारवाजल ये अच्छा खासा प्लेयर है लेकिन रियल मैड्रिड के लिए खेलता है, असिस्ट पोटेंशियल गोल भी कभी कभी कर देता है, ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। टोरेस अगर खेलेगा तो आपकी टीम में एक दो टीम में कैप्टन होना चाहिए क्योंकि हेडर में थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। बाकी जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं ना, इनमें से ना ही मैं किसी को सजेस्ट करूँगा और ना ही ये बोलूँगा कि आपने लें। ओके, अब हम बात करें मिडफील्ड सेक्शन में। हाकिम जीएच होना चाहिए आपकी टीम में, डानी ओल्मो होना चाहिए और यहाँ से उनाही मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी यहाँ से गाविरा को भी ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा अभी के लिए, बास्ट्यूट्स को भी ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि यार ये ऐसा प्लेयर है जो बिना गोल के 15 से 20 पॉइंट देते हैं। अब हमें चाहिए जो गोल करने का चांसेस ज़्यादा रखते हूँ, तो इन दो प्लेयर्स को तो लेकर चलें। अब देखो आमिन शाबिरी को पिक कर चलेंगे, गोंजालेज बहुत अच्छा प्लेयर है, इनको भी लेकर चलेंगे क्योंकि ये डिफेंसिव वर्क भी अच्छा खासा कर लेता है, गोल और असिस्ट का पोटेंशियल हाई है, तो इनको पिक कर चलें। यहाँ से अमराबत ये बहुत अच्छा प्लेयर है डिफेंसिव वर्क के लिए, बाकी यहाँ से कार्लोस सोरेल को ग्रैंड लीग में ट्राई करना और कैप्टन बना देना। कॉक डिफेंसिव पॉइंट देकर ज़्यादा से नहीं करूँगा, एक टीम में कैप्टन बना सकते क्योंकि इसका चांस हल्के से बने रहते हैं गोल आने के। निको विलियम्स काफ़ी यंग प्लेयर है लेकिन इस मैच में इसको शायद टाइम ना मिले खेलने का। बाकी जो ऑप्शन बचते हैं ये कोई खास हमारी टीम में इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे नहीं, तो इसलिए इनको ड्रॉप किया है। बात करें सेंटर फॉरवर्ड, अल्वारो मोराटो आपकी टीम में होना चाहिए, फेरन टोरेस पेनल्टी टेकर है प्लस पोटेंशियल लगता है गोल करने की, तो होना चाहिए। यूसुफ अन नशरी ये अच्छा खासा प्लेयर, मार्को असेंसियो अगर खेलेगा तो उस कंडीशन में किसी इन दो में से एक को बेंच पर बैठना होगा। यहाँ बोफाल अच्छा प्लेयर है, फीफा क्वालिफिकेशन मैच में हाइट गोल टेकर था लेकिन यहाँ पर इसने खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें से मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। देखो मोराटा, फेरन टोरेस और यहाँ से नसरी, ये मेरी टीम में क्लियर है। अब हम बात करें कैप्टनसी की, देखो कैप्टनसी की तो ऑप्शन मोराटो से बेस्ट नहीं है क्योंकि यार पोटेंशियल बहुत ज़्यादा गोल करने की, लेकिन मैं टोरेस को वाइस कैप्टन दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ ये हो सकता है आपका सवाल, अभी बताता हूँ। ओके, तो ये टीम का प्रीव्यू है दोस्त अभी के लिए, तो ये टीम वीडियो का आधार पर टीम है, फाइनल टीम लाइनअप आने के बाद टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। लेकिन याद रहे टोरेस को वाइस कैप्टन देने का वजह एक है, अगर ये टीम पेनल्टी पर निर्भर रहेगी, पेनल्टी तो इसको मिलेगी, 90 मिनट कंप्लीट भी खेलेगा, ये दो बात तो क्लियर है। और जब दो बड़ी बड़ी टीम आपस में खेलती हैं तो डिफेंसिव गेम जाता है और उस डिफेंसिव वाले गेम में ना पेनल्टी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं, तो मुझे लगता है कि टोरेस इस मैच में आज इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है, तो इसीलिए मैंने वाइस कैप्टन दिया। देखो डानी ओल्मो ये भी बहुत अच्छा प्लेयर है, इन्हें भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। और यहाँ से हाकिम जीएच जो कि बिना गोल के 25 से 30 पॉइंट तो देगा ही, प्लस असिस्ट और गोल पोटेंशियल हाई है, लेकिन स्पेन का क्या आज अटैक मतलब डिफेंस टूटेगा वो इसके ऊपर निर्भर रहेगा। अशरफ हकीमत है ही ऐसा प्लेयर जो बिना गोल के 30 पॉइंट देता है, तो इनको तो हम ड्रॉप कर नहीं सकते और काफ़ी अच्छा क्रॉसेस निकाल लेता है, असिस्ट और गोल पोटेंशियल हाई है, तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, काफ़ी बड़ी लीग में खेलता है फिलहाल टाइम पर, तो ड्रॉप नहीं कर सकते। तो ये कुछ चॉइसिस हैं, लिमिटेड हैं, सेलेक्टेड हैं। ओके, तो कैप्टन की बात की जाए जोर्डन अल्बा भी ऑब्वियसली एक बेस्ट चॉइस है क्योंकि ये भी ऐसे प्लेयर जो बिना गोल को पॉइंट भी देता, प्लस इस मैच में आपको क्रॉसेस और आगे खेलते नजर आएगा, तो कहीं ना कहीं असिस्ट और गोल करने का चांसेस बने रहेंगे इसके, तो कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो यहाँ तक आपको पसंद जरूर आई होगी, वीडियो पसंद आई तो दोस्त एक लाइक का बटन है आप उस पर जरूर क्लिक करें, प्लस में दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह की हर रोज आपको इसी फीफा कप में आपको वीडियो लाते रहूँगा, तो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए खुद का ख्याल रखें और हमारा भी ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक